₹1,000 देखा हुई हमनी से गरीब बनी हुई बिल्कुल सर अभी बंद इतना झूठ बोला ना डॉक्टर 24 घंटे कल ही एक्सपायर कर गए 24 घंटा वेट लेटर पर रख के झूठ सच बोल के डॉक्टर लोग कि जब यहाँ उन्होंने डायरेक्टर को कुछ अपशब्द कहा था जिसको लेकर के उन्हें यहाँ से निकाला गया था। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, कोई अपशब्द कौन किसको बोल रहा है बाउंड्री के बाहर, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो प्रधानमंत्री हमको काम से निकाल देश से निकाल देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई अपशब्द कहा था तो उसको शो कॉज नोटिस किया जा सकता था। अगर आपको लगता है कि हमारे खिलाफ बहुत बोला गया है आप FIR कर सकते थे, कानून है ना, आपने कुछ नहीं किया। अब जब उनकी मौत हो चुकी है तो आप इस तरह का गंदा र्यूमर फैला रहे हैं, आपको किसने ये अधिकार दिया? अगर ये बात थी, डायरेक्टर पढ़े लिखे हैं ना, देवेश्वर प्रसाद अनस्किल्ड लेबर थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर भी क्या कम पढ़े लिखे हैं जो उनको ये बात नहीं समझ आते हैं? उनको कानून हमको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उनको तानाशाही चलाना है। देवेश्वर के प्रसाद क्या क्या, मंजू देवी के साथ क्या हुआ, चार गो और लोगों के साथ क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, सबने अपशब्द कहा था, ये सब फालतू बात है, उनके खिलाफ र्यूमर फैलाया जा रहा है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि उनके पूरे दोनों बच्चों को नौकरी मिले, है ना, दोनों जो बच्चे हैं या जो भी दो परिवार के दो लोगों को नौकरी मिले। दूसरी बात, उनको मुआवजा दिया जाए। और तीसरी बात कि जो संपूर्ण जो उसमें अधिकारी लोग हैं, यहाँ कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, चूँकि यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज किया जाता है। एक तरीके से कहिए कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ये जितने भी अधिकारी हैं कोई इसमें यहाँ लोकल नहीं है, इसलिए वो समझते नहीं है इस बात को कि लोकल लोगों की क्या समस्या है। कोई सब यूपी के भरे हुए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, आप पता कर लीजिए। और राजीव सिंह चहतेल को इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, उसके ऊपर FIR किया जाए, डायरेक्टर पर FIR किया जाए उसके हत्या कराने के लिए। क्या नाम हुआ अपना, परिचय दे दें। रणविजय कुमार, राज सचिव ICC। एक संविदा पे आउटसोर्सिंग टीम्स करते हैं, मतलब अपने स्टाफ के लिए, क्लर्कल के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन इनके एम्प्लाईज थे और बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे थे, वो आउटसोर्स किए हुए थे। कुछ प्रबंधन से लेकर कुछ इशू था, बहुत तरह की बातें आ रही हैं, प्रबंधन द्वारा उनको निकाल दिया गया था, उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन में थे।
और कल आए थे वो और अपने पास के अल्फाज खा लिए वो, उसके बाद उनका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया है कि फ्रस्ट्रेशन के चलते, नौकरी जाने के भय से, नौकरी जाने के डर से, और उनकी बातें नहीं पूरी हुई, इसलिए उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट लिया था। इलाज क्रम में आज उनका देहांत हो गया है। अस्पताल प्रबंधन भी मानवीय आधार के परिजनों से वार्ता हुई है। उन्होंने इंश्योर किया है कि जो मृतक थे, गरीब परिवार के थे, उनकी बेटी को, उनके बेटा को नौकरी देने के, उनकी जगह पर नौकरी देने के लिए इन लोगों ने कमिटमेंट किया है।